मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम हरे माता की जय हरे माता की जय। आज रैली का सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य था कि ये राष्ट्रवादी जो सरकार और राष्ट्रवादी हम सभी राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी मित्र यार युवा जो हैं हमारे साथ के वे सब राष्ट्र के लिए आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एक साथ चलकर लोगों को यह संदेश दें कि किस तरीके हमको भारत की अखंडता को बरकरार रखना है, संप्रभुता को बरकरार रखना है और राष्ट्र की खुशहाली के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें अगर किसी का प्रतिभाग होता है तो वह युवा का होता है। तो हम युवाओं को माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि देश में एक राष्ट्रव्यापी माहौल तैयार करके राष्ट्र के लिए कार्य करने का। आज 71 साल पूरे हो गए हैं देश को आज़ाद हुए जी। जिस तरह महात्मा गांधी ने संकल्प लिया था देश को आज़ाद करने के लिए, और आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लग नहीं रहा है कि देश का जो है विकास हो पाएगा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारें जो भी रही हैं उन्होंने भ्रष्टाचार पर कोई विशेष काम नहीं किया। उनकी नीति थी, जैसे अंग्रेज यहाँ पे आए भारत को लूटने की नीति से वो भी काम कर रहे थे। इसके बाद जो भी सरकार आई, जो कांग्रेस की सरकार थी उनका एक ही कार्य रहा है लूट का। इसके बाद जो नई सरकार आई वो राष्ट्रवादी सरकार है, जिसमें अभी तक भ्रष्टाचार के कोई ऐसा कोई एक भी उनका काम नहीं हुआ जिसमें वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाई गई हो। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का पूर्ण कार्य भाजपा की ये नई सरकार कर रही है और हमको विश्वास है, हम युवाओं को विश्वास है, उन पर भरोसा है कि वो आगे भी इसी तरीके से कार्य को करते रहेंगे, अंजाम देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक अच्छी संवैधानिक सरकार बनेगी 2019 में। आकाश मोहन जी, जी इस रैली के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे आगे देश का विकास हो? ये आज जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पे जो इस राष्ट्रवादी पर्व पे हम लोग सारे भाइयों के साथ मिल के जो एक रैली का आयोजन किया था, इसका मेन मकसद ये था कि एक देश का जो देश देशवादी सोच है लोगों में उसको थोड़ा सा जगाया जाए, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। मेरा नाम गौरव सिंह गोलू।